नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ही तब तक आपका बचाव करेगा जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, तब तक ये मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये अगर है तो आप सुरक्षित हैं और आपके अपने सुरक्षित। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, टूलकिट ट्वीट करने का मामला। दरअसल रमन सिंह गिरफ्तारी देंगे, जो जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त, रायपुर के सिविल थाने रमन सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं गिरफ्तारी देने के लिए, और बाकायदा वहां पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। रमन सिंह से पूछताछ इस पूरे मामले पर होनी है, क्योंकि संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी और खुद रमन सिंह गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रमन सिंह खुद गिरफ्तारी देने इस वक्त पहुंच चुके हैं। कई बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछताछ भी होनी है। टूलकिट ऐसा दस्तावेज है जो देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए षड्यंत्र पूर्वक अफवाह फैलाने की साजिश है। इनके नेताओं के चरित्र देखिए, क्रियाकलाप देखिए, कार्यक्रम देखिए, इनके बातचीत का तरीका देखिए। टूल किट के आधार पे इन्होंने जिसको सर्कुलेट किया था और उसमें इन्होंने देश की छवि धूमिल करने की साजिश की थी। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, खुद रमन सिंह पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनकी आरती भी उतारी गई। जी अर्पिता, डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के जो कई बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो सिविल लाइन थाने गिरफ्तारी देने पहुंचे। यही नहीं तो प्रदेश के जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर 5 की संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो 5-5 की संख्या में जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 52 पुलिस थानों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, डॉक्टर रमन सिंह और VL संतोष के खिलाफ नॉन अवेलेबल धाराओं में 52 FIR दर्ज करवाई गई है। इसी का विरोध किया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस जो है टूलकिट मामले में शुरुआत से षड्यंत्र रच रही है, और जब भाजपा के नेताओं ने उसके षड्यंत्र को उजागर किया तो उसके बाद अब उन पर नॉन अवेलेबल धाराओं में झूठी FIR दर्ज करवाकर ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है। जी अर्पिता, शुक्रिया आदित्य।